नमस्कार, मैं एस्ट्रोलॉजर मृगेंद्र चौधरी, एस्ट्रोलॉजर वास्तु कंसल्टेंट एंड 10 महाविद्या गुरु, आप सभी का स्वागत करता हूं आज के इस प्रोग्राम के अंदर, जो कि है जनवरी 2024 का राशिफल। फ्रेंड्स, हम जो है आपको जो राशिफल बता रहे हैं वो आपके लगन के आधार पर बता रहे हैं। आपने जब इस राशिफल को देखना है तो आपने अपने लगन के हिसाब से इसको देखना है, ना कि आपकी चंद्र राशि के हिसाब से। कुछ विद्वान जो है वो चंद्र राशि के हिसाब से जो है राशिफल बताते हैं, कुछ विद्वान जो है वो लगन के हिसाब से बताते हैं। तो हमारा जो विचार है वो लगन वालों की तरफ ज़्यादा मिलता है। प्रैक्टिकली हमने देखा है कि इसकी एक्यूरेसी थोड़ी ज़्यादा रहती है, क्योंकि लगन जो है वो स्टेबल रहता है, ठीक है। चंद्र राशि है वो ज़्यादा स्टेबल नहीं मानी जाती है। तो कुछ चीज़ें हैं वो चंद्र राशि के हिसाब से बताई जाती है, जैसे कि साढ़े साथी। पर जो राशिफल है हमारे हिसाब से, हम तो लगन के हिसाब से बताते हैं। तो जब आपने अपना राशिफल देखना है तो आपने अपने लगन के हिसाब से देखना है, मैं पहले बता दूँ आपको, ठीक है। तो अब हम आज बात कर रहे हैं वो है जिस लगन के बारे में, वो है मिथुन लगन। यानी मिथुन राशि वाला जो लगन है उसकी हम बात करते हैं। तो मिथुन लगन जो है इसका स्वामी होता है बुध, बीसवां राशि है। ऐसे व्यक्ति बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, विचारक होते हैं, ऊंची सोच रखते हैं, मैथमेटिकली बहुत स्ट्रांग होते हैं, हर चीज़ को कैलकुलेट करके आगे बढ़ने वाले होते हैं, बोलने में बहुत चतुर होते हैं, वाणी से अपना काम निकालने वाले होते हैं, शरीर थोड़ा सा मजबूत नहीं रहता है। इनके शरीर की जो तासीर है वो एरी यानी वात वाली रहती है। तो अगर बुध स्ट्रांग रहता है तो बहुत बुद्धि तेज होती है और वाणी के चतुर्य से लगभग सारे काम अपने निकलवा लेते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे मिथुन लगन के स्वास्थ्य की, कि 2024 के जनवरी मंथ में मिथुन लगन का स्वास्थ्य कैसा रहने वाला है। देखिए, लग्नेश बुध जो है सप्तम स्थान में बैठा हुआ है, उत्तम स्थिति के अंदर। तो आज 16 जनवरी की हम बात करते हैं, इसके बाद जो है मिथुन लगन के जो जातक हैं उनका स्वास्थ्य उत्तम रहने वाला है। नई नई अपॉर्चुनिटीज क्रिएट होंगी, आप अपने पार्टनर के प्रति जो है आपका लगाव वो बहुत बड़ा चढ़ा रहेगा। अपने लाइफ पार्टनर हो आपका या आपका प्रेमी हो, उससे आप बहुत अच्छे संबंध जो है आपके बने रहेंगे, अगर हम देखें बुध की स्थिति को, ठीक है। स्वास्थ्य को अच्छा करने के लिए आपको मॉर्निंग वॉक जरूर करनी चाहिए, आप मेडिटेशन भी कर सकते हैं, क्योंकि मिथुन लगन के जो जातक होते हैं उनकी जो ब्रेन की जो वाइब्रेशन बहुत फास्ट होती है, बहुत जल्दी जल्दी ज़्यादा सोचने वाले लोग होते हैं ऐसे, तो उनको जो है मेडिटेशन जरूर करनी चाहिए ताकि मानसिक स्टेबिलिटी उनको मिलती रहे, ठीक है। तो ये हो गया आपका स्वास्थ्य है, कोई ज़्यादा मुझे इसमें भयंकर रोग नहीं दिख रहा है, ठीक है। तो नॉर्मली जो छोटी छोटी चीज़ें हैं वो आपको हो सकती हैं, ठीक है। उसके लिए मैंने उपाय आपको बता ही दिया है कि जॉगिंग करें, अपने जो है मेन जो आपका प्लैनेट है बुध है, उसके बीज मंत्र ओम ब्राम ब्रीम ब्रौम सह बुद्धाय नमः, इसका आप जाप कर सकते हैं। इसकी जो है 5 माला आप डेली करिए लगभग 1 महीने तक, इससे आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। आप जो है दुर्गा देवी की उपासना भी कर सकते हैं, माता दुर्गा को जो है आप हरी बर्फियाँ, हरी चूड़ियाँ, हरे वस्त्र दान कर सकते हैं। इससे अगर आपको कोई छोटी मोटी बीमारी लगी हुई है तो बिल्कुल आपकी ठीक हो जाएगी। अब हम बात करते हैं सेकेंड हाउस, यानी हाउस ऑफ आपकी बचत कैसे रहने वाली है, आपका पारिवारिक जीवन कैसा रहने वाला है। देखिए, मिथुन लगन का जो सेकंड हाउस होता है ना, उसमें कर्क राशि आती है और उसका जो मालिक हुआ वो हुआ चंद्रमा। तो चंद्रमा बहुत अनस्टेबल प्लैनेट है, ये मूव करता ही रहता है। तो ऐसे जातकों का जो मनी है वो स्टेबल नहीं रहता, ऊपर नीचे होता रहता है, ठीक है। पारिवारिक स्थिति भी इनकी डवाडोल रहती है, कभी अच्छी बहुत अच्छी, तो कभी जो है बहुत बुरी रह जाती है, ठीक है। तो उस स्थिति में आपने रेगुलर बेसिस पे, अगर हम बात करें कि आप अपना जो है चंद्रमा की स्थिति को देखते हुए आपने इसको डेली बेसिस पे ऑब्जर्व करना है चंद्रमा की स्थिति को, जब चंद्रमा आपका सेकंड हाउस में बैठा हो, फोर्थ हाउस में बैठा हो, फिफ्थ हाउस में बैठा हो, सेवंथ हाउस में बैठा हो, टेंथ हाउस में बैठा हो, नाइन्थ में हो और इलेवंथ में हो, तो आप अपने पैसे को अच्छी जगह लगा सकते हैं, कोई प्रॉपर्टी या कोई और चीज़ बाय कर सकते हैं। जब वो सिक्स्थ हाउस में हो, एट्थ में हो और ट्वेल्थ में हो, तो आपने एक अपने पैसे का जो है इन्वेस्टमेंट कहीं पर भी नहीं करना है, वरना आपको बहुत नुकसान उठाना पड़ सकता है। अभी की जो स्थिति है, जो चंद्रमा है वो राहु के साथ जो है बैठा हुआ है मीन राशि के अंदर 2-3 दिन के लिए, तो ये बहुत बैड स्थिति है। राहु चंद्रमा को ग्रहण करके लगा करके ग्रसित कर देता है। तो इस स्थिति में आप अपने पैसे का जो है सावधानी से उपयोग करें, अपनी जॉब पर या अपने बिजनेस पर पैसा ना लगाएं अभी 3 दिन तक, ठीक है। जब तक चंद्रमा जो है 11th हाउस यानी मेष राशि में गोचर नहीं कर जाता, आपको बहुत नुकसान होगा उस चीज़ का, ठीक है। चंद्रमा को स्टेबल करने के लिए चंद्रमा के स्त्रोत्र का पाठ करिए, चंद्रमा के बीज मंत्र का पाठ करिए और भगवान शंकर के शिव तांडव स्त्रोत्र का भी आप पाठ कर सकते हैं, इससे आपको बहुत धन मिलेगा और नई नई इनकम अपॉर्चुनिटीज जो आपके सामने जनरेट होती रहेंगी। अब बात करते हैं हम थर्ड हाउस की, यानी हाउस ऑफ करेज, आपके पराक्रम का, आपकी मेहनत का, आपके छोटे भाई बहन का, ठीक है, हाउस ऑफ कम्युनिकेशन का। तो थर्ड हाउस के आपके मालिक हुए जो है वो है सूर्य है। सूर्य अभी अष्टम स्थान में बैठा हुआ है, 15 जनवरी से सूर्य मकर राशि में गोचर कर गए हैं। अभी आपका जो है पराक्रम वो डाउन रहेगा, छोटे भाई बहनों के साथ आपके जो संबंध है वो खराब रहने वाले हैं 1 महीने तक,
ठीक है, अगर कोई व्यक्ति मीडिया में या एडवर्टाइजिंग एजेंसी के अंदर काम करता है, इंडस्ट्री में काम करता है, तो उसको नुकसान उठाना पड़ सकता है, जॉब लॉस आपको हो सकती है। तो एक महीना बहुत ध्यान से रहिए, जैसे ही सूर्य जो है कुंभ राशि में गोचर कर जाएगा फिर आपको बहुत फायदा होने वाला है, क्योंकि वो आपके भाग्य स्थान पे चला जाएगा। तो इस स्थिति में आपने करना क्या है, एक तो आप जो है अपने सूर्य को प्रबल करने के लिए लाल सिंदूर डाल करके जल में सूर्य को जल का अर्पण करें। इसके साथ साथ सूर्य के आदित्य हृदय सूत्र का पाठ कर सकते हैं। इसके साथ साथ आप सूर्य के बीज मंत्र ओम ह्रीम घृणी सूर्य आदित्य श्रीम ओम का भी जाप कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं आपके फोर्थ हाउस यानी हाउस ऑफ जो है प्रॉपर्टी, मकान, वाहन, गाड़ी, माता का हाउस, मानसिक शांति का, ठीक है, जनता के साथ आपका जुड़ाव का। तो आपके फोर्थ हाउस का जो लॉर्ड हुआ वो है बुध। बुध उत्तम स्थिति में बैठा हुआ है आपके सेवंथ हाउस में, तो बुध तो स्ट्रांग है ही है, बुध को प्रबल करके रखिए। और क्योंकि आपके फोर्थ हाउस में नीच के केतु बैठे हुए हैं, अक्टूबर से एक साल और रहेंगे लगभग, तो उसमें क्या है, ये आपके जितने भी मैंने मैटर अभी बताए हैं, चाहे वो आपकी माता का मैटर है, आपकी प्रॉपर्टी का है, आपके वाहन का है, आपकी मानसिक शांति है, उन सबको डिस्टर्ब करने वाले हैं। आपको फेफड़ों से संबंधित या हार्ट से संबंधित कोई ना कोई इशू हो सकती है, तो जो लोग ज़्यादा मोटे हैं उनको अपने हार्ट का ध्यान रखना है, कोलेस्ट्रॉल लेवल चेक कराते रहना है, एक्सरसाइज करनी है। जिनको सेंसिटिविटी इशू है यानी अस्थमा है, एलर्जी है, उनको भी बहुत सावधानी से रहना पड़ेगा, ठीक है। तो इस स्थिति में अगर आपका बुध उत्तम स्थिति में बैठा हुआ है जन्मपत्री के अंदर, उसको अगर आप देख लेंगे बुध अच्छी स्थिति में बैठा हुआ है, तो आप बुध का जो है पन्ना जरूर धारण करें, इससे आपकी हेल्थ भी ठीक रहेगी और ये जो सभी मैटर्स मैंने बताए हैं इनमें आपको बहुत फायदा होने वाला है, ठीक है। इसके साथ साथ अगर आप केतु की शांति भी करवा दें, केतु के बीज मंत्र ओम स्त्राम स्त्रीम स्त्रौम सह केतवे नमः, इसका जो है आप लगभग 19,000 जप करवा दें किसी भी पंडित से, इससे आपको बहुत फायदा होगा, ठीक है। और केतु जो है आपको अच्छे रिजल्ट देने लग जाएंगे, एक साल के लिए आपका जो है केतु वो शुभ हो जाएगा और आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। अगर हम बात करते हैं पंचम स्थान की यानी आपके प्यार मोहब्बत वाले स्थान की, लव रोमांस का, ठीक है जी, लव अफेयर्स का, आपकी विद्या बुद्धि का, आपके इंटेलिजेंस का जो स्थान है पंचम स्थान, उसका जो स्वामी है वो शुक्र हुआ, शुक्र अभी बैठा हुआ है छठे स्थान पर, यानी आपके प्रेमी के साथ आपका झगड़ा चल सकता है, पढ़ाई में आपको दिक्कत आ सकती है, जो स्टूडेंट सभी एग्जाम में अपेयर हो सकते हैं, जितनी वो मेहनत करते हैं उतने उनके मार्क्स शायद ना आए, कम मार्क्स आए, ठीक है। तो जैसे ही शुक्र जो है 3 दिन के बाद धनु राशि में गोचर करता है तो सप्तम स्थान में आ जाएगा, तो लव मैरिज का योग बनेगा आपका, ठीक है। लवर से आपकी रिलेशन अगर पहले टेंस चली हुई थी वो अब अच्छी होना शुरू हो जाएंगी, ठीक है। और अगर आप कोई पढ़ाई कर रहे हैं, कोई कंपटीशन का एग्जाम दे रहे हैं, तो उसमें भी आपको सफलता मिलने के चांसेस ज़्यादा हो जाएंगे। तो अब हम बात करते हैं सिक्स्थ हाउस की, हाउस ऑफ डिजीज की। तो सिक्स्थ हाउस में आपके शुक्र बैठा है तो बीमारी के योग तो बने रहेंगे, ठीक है। आपको पेट से संबंधित रोग परेशान करते रहेंगे, पेट में दर्द रहना, दस्त लग जाना बार बार, ठीक है, अपच रहना, ठीक है। और इसके साथ साथ जो है डायबिटीज़ के भी योग बनेंगे, जिनका शुक्र जन्मपत्री में भी खराब है तो उनको डायबिटीज़ के योग बनेंगे। अगर डायबिटीज है उनको तो अभी डायबिटीज़ की स्थिति ज़्यादा खराब रहेगी उनकी, ठीक है। तो उस केस में आप शुक्र की शांति जरूर करवाएं, ठीक है। और अपनी पत्नी को जो है आप एक चांदी का क्लिप जरूर दान करें, इससे जो है आपका शुक्र जो है उत्तम हो जाएगा। अब बात करते हैं हम सेवंथ हाउस की। सेवंथ हाउस यानी हाउस ऑफ मैरिज पार्टनरशिप एंड बिजनेस का। तो सेवंथ हाउस का आपका लॉर्ड है गुरु। गुरु बहुत उत्तम स्थिति में आपका 11वें स्थान में बैठा हुआ है, लाभ स्थान के अंदर। आपकी हस्बैंड आपके वाइफ से आपको बहुत लाभ मिलने वाला है। अगर आपकी शादी रुकी हुई है तो शादी होने के योग बनेंगे, बड़े अच्छे योग बनेंगे, बशर्ते उसमें थोड़ा टाइम लगेगा। अभी मंगल बैठे हुए हैं सप्तम स्थान में। अब मंगल क्या है, षष्ठे से छठे स्थान का मालिक है, तो आपकी मैरिड लाइफ में थोड़े से झगड़े क्रिएट करेगा, छोटी मोटी नोक झोंक वो पैदा करेगा, ठीक है। आपके शत्रु अगर आपकी कहीं पे एंगेजमेंट हो रखी है तो आपकी एंगेजमेंट तुड़वाने की कोशिश करेंगे, जब तक मंगल बैठा सप्तम स्थान में। अब मंगल को जो है, जब मंगल जो है मकर राशि में जाने वाला है अभी एक महीने बाद, तब आपकी सारी समस्याएं शांत हो जाएंगी। इन समस्याओं को अवॉइड करने के लिए एक तो आप बृहस्पति का पुखराज दान करें। इसके साथ साथ जो व्यक्ति मांगलिक भी हैं, जिनकी जन्मपत्री में भी मंगल सप्तम स्थान में बैठा हुआ है, वो मंगल की शांति जरूर करवा दें, मांगलिक दोष की शांति करवा दें, ठीक है। और इसमें भगवान हनुमान जी को आप सिंदूर और बेसन का जो है भोग जरूर लगवाएं, उनके ऊपर जो है सिंदूर चढ़ाइए आप, साथ में बेसन का भोग भी उनको लगवाइए, इससे आपको बहुत आराम मिलने वाला है लगभग 9 मंगलवार और 9 बृहस्पतिवार। अब हम बात करते हैं 8th हाउस की, हाउस ऑफ लॉन्जिविटी, हाउस ऑफ क्रोनिक डिसीजेस, हाउस ऑफ सडन गेन्स। तो उसका जो मालिक हुआ आपका शनि है। शनि उत्तम स्थिति में बैठा हुआ है 9वें स्थान में शिव राशि के अंदर, ठीक है, मूल त्रिकोण साइन के अंदर बैठा हुआ है अपने।
तो आपकी आयु, लंबी आयु में कोई समस्या नहीं आने वाली है, ठीक है, कोई आपके साथ दुर्घटना नहीं होने वाली है इस समय में, बहुत अच्छा रहेगा, आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। कोई अगर आपको लंबी बीमारी थी पहले तो वो ठीक हो जाएगी, ठीक है। थोड़ा सा भाग्य में, कई बार आपका भाग्य अप जाएगा बहुत, कई बार डाउन भी जाएगा, क्योंकि शनि जो है नवमेश तो है अष्टमेश भी है, पिता के साथ संबंध कई बार बहुत मधुर रहेंगे, कई बार बहुत डाउन चले जाएंगे। तो इस स्थिति में जो है आप शनि की शांति करवाइए। शनि की शांति के लिए आप उनके बीज मंत्र का ओम प्राम प्रीम प्रम सह शनिश्चराय नमः तथा उनकी चालीसा का पाठ कर सकते हैं। मंदिर के पुजारी को आप काले तिल का, काले उर्द का और सरसों के तेल का आप दान करिए। उनके हाथ में ये सब चीज़ें आप दीजिए, नीचे मत रखना, इससे शनिदेव जो है आपको कृपा बना के रखेंगे। लगभग एक साल और रहेंगे यहाँ पर और ये सारा समय आपके लिए बहुत बढ़िया जाने वाला है। अब हम बात करते हैं नाइन्थ हाउस की। नाइन्थ हाउस जो होता है वो होता है हायर एजुकेशन का, लॉन्ग ट्रेवल्स का, ठीक है, लॉन्ग डिस्टेंस पे आप जर्नी के लिए जाते हैं घूमने घुमाने के लिए, और आपके पिता के साथ संबंध का, आपके गुरु का, आपके भाग्य का। तो शनि अपने जो है मूल त्रिकोण साइन में बैठा हुआ है नाइन्थ हाउस में, बहुत उत्तम स्थिति के अंदर है, आपका भाग्य आपका बहुत साथ देगा। आपके पिता आपकी जो है सहायता कर सकते हैं, अगर आप कहीं पर फंसे हुए हैं तो अपने पिता की सहायता आपको जरूर लेनी चाहिए, अपने गुरुजनों की सहायता आपको जरूर लेनी चाहिए, वो आपकी सहायता जरूर करेंगे और आपका जो अड़चन है उसके लिए वो आपको रास्ता भी दिखा देंगे, ठीक है। अगर आप उनसे गाइडेंस लेके आगे बढ़ोगे तो डेफिनेटली आप अपने टारगेट को अचीव कर जाओगे। अगर कोई ना कोई पॉलिटिकल पद या कोई प्रमोशन का आपका योग बना हुआ है तो वो भी आपका इस बार जो है आप उसमें सफल हो जाएंगे। उसके लिए भी आप जो है शनि का नीलम आपने धारण नहीं करना है, ये बात आप ध्यान से समझ लें। मिथुन लग्न के अंदर शनि जो है अष्टमेश भी होता है, तो नीलम आपने बिल्कुल धारण नहीं करना है, आपने सिर्फ पूजा पाठ और दान के द्वारा ही शनि को स्ट्रॉन्ग करना है। अब हम बात करते हैं टेंथ हाउस की, जो कि हाउस ऑफ स्टेटस होता है, हाउस ऑफ फादर होता है, हाउस ऑफ करियर होता है, ठीक है, हाउस ऑफ जॉब होता है। तो आपका टेंथ हाउस का लॉर्ड बृहस्पति मई तक जो बैठा हुआ है इलेवंथ हाउस में, तो प्रमोशन हो सकती है, नई जॉब लग सकती है, ठीक है, इनकम अपॉर्चुनिटीज नई नई आपके सामने जनरेट होंगी। और मई के बाद जो है बृहस्पति बारहवें स्थान में चला जाएगा, तो उस समय आपको बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा, लगभग एक डेढ़ साल, तो ठीक है। तो मई से पहले पहले अगर आप कहीं अप्लाई करना चाहते हैं किसी अच्छी जॉब के लिए, तो आप जॉब के लिए अप्लाई कर दें। जो लोग जॉब चेंज करना चाहते हैं वो भी मई से पहले पहले जॉब चेंज के लिए अप्लाई कर दें, आपको अच्छी जॉब मिल जाएगी। अगर आप मई के बाद अप्लाई करोगे डेफिनेटली आपको कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी, आप बाद में रिग्रेट करोगे, पछतावा आपको होगा कि मैंने क्यों जॉब को चेंज किया, ठीक है जी। अब हम बात करते हैं इलेवंथ हाउस, हाउस ऑफ गेंस की, ठीक है, हाउस ऑफ नेटवर्क्स की, आप हाउस ऑफ आपके जो एल्डर सिबलिंग्स, आपके बड़े भाई बहन का, तो उसका मालिक हुआ मंगल, वो सप्तम में भी बैठा हुआ है, तो आपके नेटवर्क से आपको बिजनेस आएगा, आपके फ्रेंड सर्कल से भी आपको बिजनेस आ सकता है, बिजनेस से आप पैसा जनरेट करेंगे। जो लोग रियल एस्टेट में हैं या फिर आर्म्स एम्यूनिशन की इंडस्ट्री में हैं या फिर मेडिसिन की इंडस्ट्री में हैं या फिर सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह बनाते हैं, उनके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी अभी बनी हुई है। एक महीने के लिए आप जितना हो सके इन्वेस्टमेंट कर दीजिए, आपको बहुत अच्छा रिटर्न मिलने वाला है। इसके बाद इस महीने के अगले महीने आपने ऐसा कुछ नहीं करना है, एक महीने आपने विराम देना है, अभी कर लीजिए, बेनिफिट आपको होगा। बाद में आप एक महीना विराम करिए, उसके बाद फिर जब नई स्थिति जो मंगल की होगी हम आपको बताई देंगे, ठीक है। तो ये हो गया आपका हाउस ऑफ इनकम। अब हम बात करते हैं ट्वेल्थ हाउस की। ट्वेल्थ हाउस हो गया आपका श्रीय सुख का, ठीक है, आपकी प्राइवेट लाइफ का, तो आपकी फॉरेन ट्रेवल एंड फॉरेन सेटलमेंट का। तो आपका ट्वेल्थ का जो लॉर्ड है शुक्र है वो छठे स्थान पे बैठा हुआ है, तो नींद में डिस्टर्बेंस रहेगी किसी बीमारी की वजह से, आपको कोई ऐसी बीमारी हो सकती है जिससे आप सो ना पाए, ठीक है, या फिर आपका कोई कोर्ट केस चल सकता है जिसमें आपको सजा होने के योग बने हुए हैं अभी, तो बचे रहे, थोड़ा ध्यान से रखिए रहिए। अगर कोई कोर्ट केस आपका चला हुआ है तो अभी तीन चार दिन के लिए अगर आपकी कोई तारीख है तो उसको आगे बढ़वा दीजिए, उसके बाद शुक्र जो है आपका सप्तम स्थान में चला जाएगा, तो जो रिजल्ट आपके फेवर में आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो सकते हैं। तो इस केस में जो है आपने शुक्र को अच्छा करने के लिए शुक्र के बीज मंत्र ओम द्राम द्रीम द्रोम सह शुक्राय नमः, इसकी छः माला डेली जाप करिए 40 दिन तक, इससे आपका जो है अगर कोई केस फंसा हुआ है तो वो निकल जाएगा। और अगर आपको कोई बीमारी लगी हुई है छोटी मोटी जिससे आप परेशान हैं, नींद भी आपको नहीं आ पा रही है, आप सो नहीं पा रहे हैं, या सीधा सुख आपका अच्छे से आप नहीं ले पा रहे हैं लाइफ में, आपकी सेक्सुअल लाइफ जो है वो डिस्टर्ब्ड है, उसके लिए भी आप शुक्र का जो उपाय करेंगे तो उससे जो आपको शांति प्राप्त हो जाएगी। तो ये मोटा मोटा मैंने आपको जो है मिथुन लग्न का जनवरी मंथ का जो है राशिफल बता दीजिए, ठीक है। तो अगर आप डिटेल में अपनी जन्म पत्रिका एनालिसिस करवाना चाहते हैं तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, तो डिटेल में हम आपको सारी जो एनालिसिस करके गोचर के हिसाब के साथ साथ आपकी दिशाओं का एनालिसिस करके आपको बता सकते हैं कि आपको किस फील्ड में जाना चाहिए, क्या क्या आपको उपाय करने चाहिए, क्या क्या आपको प्रिपरेशन लेनी चाहिए और क्या क्या आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। गुड लक, हैव अ नाइस टाइम।